वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का व्हाइट एजुकेशन पे चैनल पे। नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करें, रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लीजिएगा साथ ही साथ, और हर एक वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं उनके लिए जो कि कॉन्ग्रेचुलेशन के पात्र हैं, लेकिन ये सही समय है क्या आपको कॉन्ग्रेचुलेट होने का? बिल्कुल नहीं, अभी तो पहला पड़ाव पार हुआ है। जी हाँ, आप लोग उन 5 से 5.5 लाख जो लोग फॉर्म भरे थे उनमें से निकलकर आप इस 50,070 के रिजल्ट में आ चुके हैं। तो देखिए, अब इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि पीटी में जाएंगे, आपको मैं बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अब यहां से 15,000 ऐसे लोग होंगे जो कि मेंस का एग्जाम देकर यहां से पीटी में इंटर कर जाएंगे। जी हाँ, पीटी यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा आपका, उसमें आप इंटर कर जाएंगे और उसके बाद आपका मेडिकल होगा और फाइनली नौकरी हो जाएगी। उन 2500 छात्रों में आप आ जाएंगे और आपको यहाँ पे बिहार दरोगा का यानी कि डबल स्टार आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये स्टार लगाने के लिए कितनी और मेहनत बाकी है? इसी के बारे में पूरा वीडियो बना रहा हूं मैं आज। वीडियो को अंत तक देखिएगा, डिस्कशन अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा, क्योंकि मैं आज आपको अपने आप से अवगत कराना चाहता हूं। जी हाँ, खुद क्या है आप, ये आप नहीं पहचान पा रहे हैं। कारण क्या है कि आप खुद सोच रहे हैं कि अब मेरा प्रीलिम्स निकल गया है मेंस की तैयारी के लिए, शायद मुझे पटना जाना चाहिए, शायद मुझे दिल्ली जाना चाहिए या कहीं ऐसा इंस्टीट्यूट पकड़ लेना चाहिए जो कि मेरी तैयारी करा दे। तो बिल्कुल बिल्कुल गलत समझ रहे हैं आप। अपने आप को जज कीजिए, आप वही छात्र हैं जो कि घर बैठे तैयारी किए और ये रिजल्ट के अंदर आप आ चुके हैं। जी हाँ, मैं आपको बोल रहा हूं, और मेरे जैसे कितने ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, मेरे यहाँ पे जो चैनल्स हैं इसके कितने ऐसे YouTube चैनल हैं जो कि आपको सपोर्ट भी किए हैं, उन सबको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके इस रिजल्ट में वो आपके साथ रहे। जी हाँ, क्योंकि उनके दिए गए सवाल और हमारे चैनल के माध्यम से जो दिए गए सवाल, ये सारे लोग आप लोगों ने पढ़े, यहाँ पे रिजल्ट अच्छा खासा किया, नहीं तो क्यों यहाँ पे आप लोग मैसेज करते मुझे? मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा हुआ है, मैं सुबह से अगर देखूं तो बहुत सारे मैसेज अनरीड पड़े हुए हैं जो कि मुझे यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट लेने के लिए लोग फोन कर रहे हैं कि भैया मेरा हो गया है, अब क्या करें, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जो पढ़ना चाहते हैं, जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। ये वो 50,000 छात्र हैं और इनके साथ हम जुड़ेंगे। और आपको इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि मेंस की तैयारी हम लोगों ने शुरू भी कर दी है। जी हाँ, अगर आप नहीं जान रहे तो जाइए चैनल पे देखिए, आपको अलग से बिहार दुर्गा मेंस का प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, वहां पे क्यूज कराए जा रहे हैं, हिंदी के भी क्यूज कराए जा रहे हैं, क्योंकि दो पार्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, मैंने पिछली वीडियो में सारा बताया भी था। जी हाँ, खंड एक और खंड दो, ठीक है, इसमें आपका हिंदी का पेपर होगा और ये हिंदी के पेपर होंगे दोस्तों 200 नंबर के, और यहाँ पे जो आपका जीएस पेपर होगा, ठीक है, ये भी 200 नंबर का होगा। इसमें इस बार मैथ और रीजनिंग को एड किया गया है, ठीक है, तो इस बार ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार आपका ये मैथ और रीजनिंग जो है यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। तो यहां से कैसे क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियोस में। फिलहाल मैंने इसके बारे में पूरा वीडियो बना के दे दिया है आपको, वो वीडियो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, या तो फिर आप आई बटन पे चेक कर लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों आज आया है रिजल्ट इसका, यानी कि आज है कितना, तो आज है दोस्तों 28 जनवरी, ठीक, याद रखिएगा। अब जो आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है अप्रैल में होगा लगभग, है ना, मेंस का एग्जाम आपका लगभग अप्रैल में होगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास सफिशियंट टाइम है बिहार दुर्गा के मेंस की तैयारी करने के लिए, स्ट्रेटजी क्या होगी और कौन सा बुक पढ़े कि आप उसका जो मतलब कह सकते तैयारी वो कर सके। स्ट्रेटजी देखिए, सबसे पहले स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको हिंदी खत्म करना होगा क्योंकि यहाँ पे आपको 30% लाके तो पास होना ही है, इस विषय में स्कोरिंग नहीं होगा, ना ही आपको कैलकुलेट किए जाएंगे, लेकिन स्कोरिंग तो यहां से होगा। इसके लिए आपको क्यूज करने पड़ेंगे, ये सारे स्ट्रेटजी के पार्ट हैं, ठीक है, क्यूज और सेट। सेट कैसे, सेट आपको जो क्वेश्चन बैंक मिल रहे हैं मार्केट में अभी, पारामाउंट, यूनिक, किसी का भी उठाइए, एक पुस्तक उठाइए सिर्फ, है ना, सेट लगाइए, शुरू कीजिए, बैठिए मत अब क्योंकि समय नहीं है। बुक की बात करते हैं, बुक की बात करें दोस्तों तो अगर आप देखिए एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे, है ना, एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे तो शायद आप पास नहीं हो पाएंगे। देखिए बहुत अच्छी बुक है ऐसा नहीं है, लेकिन आप पास नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है इसमें
और उतना सिलेबस आप पढ़ने बैठेंगे तो शायद कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अप्रैल मार्च में आपका, मार्च अप्रैल में एग्जाम हो सकता है आपका मेंस का। तो एनसीईआरटी का ही एक बुक आता है दोस्तों, सार संग्रह, है ना, एनसीईआरटी का ही एक बुक आता है, ये फॉलो करें आप लोग। उसके अलावा आप लोग स्पीडी पढ़े करेंट अफेयर के लिए। देखिए जो इससे प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था उसमें करेंट अफेयर के टॉपिक बहुत कम पूछे गए थे। इनफैक्ट बिहार दरोगा के प्रीलिम्स में पहला जो शिफ्ट था उसमें भी कम पूछे गए थे करंट अफेयर। लेकिन विभाग का, आयोग का कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सिलेबस में, जो प्रीलिम्स के सिलेबस में तो मैथ रीजनिंग था नहीं, फिर भी वहां पे क्वेश्चन दिए थे वहां पे उन्होंने, लेकिन यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए करंट अफेयर तो फॉलो करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाई करने का बता रहा हूँ कि कितनी जल्दी आप कवर अप कर जाओगे। स्पीडी पढ़िए इसका, जीए का, है ना। और उसके अलावा दोस्तों आपको एक पुस्तक और लेनी होगी, ठीक है, वो है घटनाक्रम का। घटनाक्रम जो है ये कब से, तो 2019 का सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये घटनाक्रम आपको पुस्तक मिल जाएगी, है ना, बहुत जगह, और ये पूरे एक साल का कम से कम घटनाक्रम पढ़ जाइएगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा, और जैसे कि आपके प्रीलिम्स में बना भी है, इनफैक्ट 2018 में जो पेपर हुए थे उसमें भी घटनाक्रम के जो क्वेश्चन पूछे गए थे अच्छे खासे पूछे गए थे। उसके अलावा दोस्तों जीएस यानी कि जनरल साइंस, जिसके लिए हम लोग क्लास आपको सुबह के 10 बजे रोज दे रहे हैं, और ये आपका जो सिलेबस है ये आपको मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। यहाँ पे रोज 45 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 10 बजे हमारे साथ अटेंड करें। सुबह के 6 बजे आपको करेंट अफेयर की क्लास दी जा रही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, वो ये आपका टॉप 10 करेंट अफेयर होते हैं डेली से रिलेटेड। रोज पढ़िएगा ना 10 क्वेश्चन, तो एग्जाम तक बहुत अच्छे खासे आपके पास कलेक्शन हो जाएंगे। और ये विथ डिस्क्रिप्शन क्लासेस दी जा रही है। खैर यहाँ पे उसके अलावा मॉक टेस्ट, जो कि मैं आपको क्यूज के बारे में बात कर रहा था, वो मॉक टेस्ट आप लोग शाम को 7 बजे, ये देखिए शाम को 7 बजे जो है ये ले सकते हैं आप लोग। मॉक टेस्ट पढ़िए, हमारे साथ क्यूज अटेंड करें शाम को 7 बजे, बिहार दुर्गा स्पेशल है। इनफैक्ट जो लोग बिहार कांस्टेबल का, जो दूसरे चरण के जिनका परीक्षा बचा हुआ है, वो छात्र भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो सिलेबस लगभग सेम है, तो वहां से उनकी तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो ये वो स्ट्रेटजी था, ये बुक्स मैंने आपको बता दिए, सार संग्रह एनसीईआरटी से ले लीजिएगा, स्पीडी ले लीजिएगा, ये जो मॉक सेट लगाने के लिए कम से कम पैरामाउंट ये यूनिक का या फिर किसी का भी एक क्वेश्चन बैंक लीजिए और वहां पे उसको सेट लगाइए, कम से कम 35-40 सेट लगा जाइए इतने दिन में। घटनाक्रम जरूर ले लीजिएगा, यहाँ पे आपको घटनाक्रम में 2019 का और अब 20 का भी आने वाला लगा होगा, है ना, लेकिन 2019 का कंप्लीट आपको मिल जाएगा मार्केट में, ठीक। बाकी हमारे साथ टाइमिंग लिख लीजिएगा, 10 बजे सुबह में ये जीएस के लिए, सुबह के 6 बजे आपको करेंट अफेयर के लिए, और शाम को 7 बजे आपको मॉक टेस्ट के लिए, बिहार दुर्गा स्पेशल और कांस्टेबल के लिए, ठीक है। यानी इसमें आपको जीके, जीएस, बिहार स्पेशल, है ना, और जो भी सिलेबस है आपका वो दिया जाता है। इनफैक्ट आपको हिंदी की भी क्लासेस दी जाती है बीच बीच में, जो कि 100 क्वेश्चन का कलेक्शन होता है, ठीक है। हिंदी पढ़ना जरूरी है, मैं आपको इतना करा दूंगा कि आप हिंदी में एटलीस्ट पास तो हो ही जाएंगे वहां पे, क्योंकि समय कम है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहा, आप हमारे साथ जुड़े रहे प्रीलिम्स में, और इतने सारे लोगों ने रिजल्ट भी दिया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सभी लोग हमारे साथ पढ़ते थे, लेकिन इतने सारे लोगों में अब जो कॉम्पिटिशन है आपका, वो जान लीजिए कि कैसा कंपटीशन है। चूंकि स्ट्रेटेजी में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके कंपटीटर कौन हो सकते हैं। आपके कंपटीटर हो सकते हैं वो जो कि दूर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पैसे लगा के पढ़ रहे हैं, वो आपके कंपटीटर होंगे जो कि अभी बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, वो आपके कंपटीटर होंगे जो कि यूपीएससी के लिए भी क्वालिफाइंग कर रहे हैं इस साल, वो लोग भी आपके कंपटीटर होंगे। तो उनकी स्ट्रेटेजी और आपकी स्ट्रेटेजी में कितना अंतर हो सकता है, क्योंकि आप अगर घर बैठे अपने गांव में बैठे तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप उनसे कम हैं? नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। आपके पास तो और सक्षम है कि आपको किसी चीज का डर नहीं है कि पैसे मेरे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, बस एक नेट का रिचार्ज करना है आपको और पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेरा ही चैनल फॉलो कीजिए, जो भी चैनल आपको यहाँ पे अच्छे स्ट्रेटेजी, अच्छे बुक्स या फिर अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन के कलेक्शन दे रहा है उनके साथ जुड़िए, पढ़िए लगातार, लेकिन रिजल्ट देना है। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये 50,000 में से जो छात्र यहाँ पे पीईटी में जाएंगे, है ना, पीईटी में जाएंगे, उनकी संख्या होगी लगभग 15,000, ठीक है। ये 15,000 छात्र होंगे जो कि पीईटी में जाएंगे। अब आपको इन 50,000 से निकलकर इस 15,000 के अंदर आना है, और यहां से फिर तो आपकी मेहनत है,
भाई इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो फिजिकली फिट होगा अपने आप को दबंग प्रूफ करेगा, वही वही इस 15,000 में से 2500 के अंदर जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो था दोस्तों बिहार दुर्गा मेंस के लिए। एक वीडियो मैंने पिछली भी दिया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना, क्या सारा सिलेबस बताया था उसमें। तो आपको मैंने तो ये सारी चीजें मैंने आप तक शेयर किया है इसके लिए। और इस वीडियो के साथ साथ मैं अब वीडियो को खत्म करता हूं यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हमारे जो ग्रुप्स हैं व्हाइट एजुकेशन का, व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कीजिए आप लोग, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहां पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एजुकेशन की 86 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां से नौकरी से रिलेटेड हर वो टॉपिक आपको शेयर कर दिए जाते हैं। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सुबह के 6 बजे करेंट अफेयर में।